नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेबल और आज बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस क्या होता है, इसे इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है, ये कोविड पेशेंट्स में क्यों होता है और क्या इससे बचना संभव है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, इसका हमें पहले से पता है। ब्लैक फंगस, जिसे काला फफूंद या म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, ये एक रेयर डेडली अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है। इसका क्या मतलब है? रेयर मतलब बहुत ही कम लोगों में होता है, डेडली। इसका मोर्टैलिटी रेट 50% है, यानी जिन लोगों में ये होगा उसमें से सिर्फ 50% ही बच पाएंगे। ये इतना डेडली क्यों है? इसके दो कारण हैं। एक तो इसका स्प्रेड बहुत फास्ट है, मतलब एक बार ये इन्फेक्शन हुआ तो कुछ ही दिनों में दिमाग तक पहुँच जाता है, और एक बार ब्रेन इन्वॉल्व हो गया फिर पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, इसका डीप स्प्रेड है, यानी ये जिस टिश्यू को इन्वॉल्व करेगा उसको एकदम डैमेज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, सड़ा देगा, गला देगा, फिर उसको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। तीसरा आता है अपॉर्चुनिस्टिक। इस फंगस के स्पोर्स हर जगह हैं, एयर में, सरफेसेस पे, इवन स्किन सरफेस पे, लेकिन ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते बिकॉज ऑफ अवर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर की डिजीज से, रोग से लड़ने की क्षमता। अगर ये बहुत कम होगी तभी इस फंगस को अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारे शरीर में एंटर करने की और इन्फेक्शन करने की, अदरवाइज नहीं। ये हमारी बॉडी में एंटर कहाँ से करते हैं? या तो नाक से या मुंह से, या फिर अगर कोई चोट लगी है तो उसमें से भी एंटर कर सकते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में, यानी जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, उन पेशेंट जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, HIV एड्स पेशेंट, कैंसर पेशेंट, या जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, या वो पेशेंट जिनमें बहुत लंबे टाइम से कोई दवाई चल रही है जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे 11 साल के एक्सपीरियंस में मैंने सिर्फ 5 पेशेंट म्यूकर माइकोसिस के देखे हैं। इसका मतलब ये कंडीशन कितनी रेयर है आप समझ सकते हैं। उनमें से 4 अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के थे, 1 बर्न का था। इन 5 में से 2 पेशेंट ऐसे थे जिनका ऑलरेडी ब्रेन इन्वॉल्व था, वो हमारे पास लेट आए, हम उनको नहीं बचा पाए। 2 में आँखें इन्वॉल्व थी, 1 की हमें 1 आँख निकालनी पड़ी, 1 की दोनों आँखें निकालनी पड़ी उनकी जान बचाने के लिए। 1 पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में ही एडमिट था, जिसका डायग्नोज हमने बहुत जल्दी कर लिया था, उसे हमने इंजेक्शन शुरू किए एंटी फंगल एम्फोटेरिसिन बी के, और वो ठीक हो गया। अब बात करते हैं म्यूकर माइकोसिस के लक्षण की। ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन मेनली ये 4 ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, नाक, साइनसिस, आइज और ब्रेन। नाक में ऐसे लगेगा कि स्टफिनेस है, नाक बंद है, सांस में दिक्कत हो रही है, नाक में अंदर सूजन है, खून आ सकता है, कुछ काला पदार्थ बाहर निकल सकता है, काले धब्बे हो सकते हैं मुंह में या नाक में, फेस पे स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है। टेंडरनेस यानी अगर हम हाथ लगाएंगे तो दर्द होना। अब बात करते हैं आँखों की। आँखों में सूजन हो सकती है, बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, आँख बाहर की तरफ आ सकती है जिसे प्रॉप्टोसिस बोल सकते हैं, आँख हिलना बंद हो सकती है, बंद होना बंद हो सकती है, दिखना बंद हो सकता है, मेंटल कंफ्यूजन, चक्कर आना, ये सिम्टम्स हैं। अब अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में हमारे पास आता है तो हम उसका CT MRI करवाते हैं, ये जानने के लिए कि इस फंगस का स्प्रेड कहाँ तक है, ये कहाँ तक पहुँचा। लेकिन अगर पेशेंट बहुत ही अर्ली स्टेज में आ जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि CT MRI में नहीं दिख पाती फंगल, उसके लिए हमें बायोप्सी लेनी पड़ती है, यानी कोई ऐसा टिश्यू लेना पड़ता है बॉडी का जिसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं और देखते हैं कि उसमें फंगस मौजूद है या नहीं। अब जानते हैं कि ये ब्लैक फंगस कोविड पेशेंट्स में क्यों हो रहा है। कोविड में 90% से ज़्यादा ये उन पेशेंट्स में हो रहा है जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, मेनली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाले। इसका कारण क्या है? कोविड इन्फेक्शन से इम्यूनिटी वैसे ही कम है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, उसके बाद स्टीरॉयड्स दिए जा रहे हैं उससे इम्यूनिटी और कम हो गई, फिर कुछ पेशेंट्स को लंबे टाइम तक अगर
हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी, उससे इम्यूनिटी और कम हो जाती है। फिर जो हम ऑक्सीजन देते हैं ट्यूब से, उसमें काफ़ी लंबे टाइम तक मॉइस्चर रहने की वजह से भी वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, स्पोर हमारे अंदर जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं म्यूकर माइकोसिस के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम डर जाएं कि अच्छा स्टीरॉयड से म्यूकर माइकोसिस होता है तो हमें कोविड हुआ है, हम स्टीरॉयड नहीं लेंगे। म्यूकर माइकोसिस तो बहुत ही रेयर इन्फेक्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कोविड से अपनी जान बचाना। इसलिए अगर सैचुरेशन कम हो रही है तो स्टीरॉयड तो लेने ही होंगे, बट ये ध्यान रखें कि उतनी ही टाइम पे स्टीरॉयड लें जितना ज़रूरी है, डॉक्टर की सलाह से ही स्टीरॉयड लें। और जैसे ही ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छी आ रही है, 96-97 पे आ रही है, ट्राई करें एक्सरसाइज शुरू करें, स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज शुरू करें। ऐसी पोजीशन में लेटें, सीधा ना लेटें, ऐसी पोजीशन में लेटें जहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन आपकी बेटर होती है। ट्राई करें उल्टा लेटने की, सेल्फ प्रोनिंग करें। यहाँ आपका ये समझना ज़रूरी है कि कोरोना की फर्स्ट वेव, पहली लहर में भी म्यूकर माइकोसिस के पेशेंट देखने को मिले थे, बट क्योंकि कोविड कुछ पेशेंट्स में हुआ था और म्यूकर माइकोसिस इतना रेयर है कि वो थोड़े से पेशेंट में हुआ, इसलिए न्यूज़ और मीडिया में नहीं आ पाया। अब कोविड ज़्यादा पॉपुलेशन में हो रहा है, इसलिए म्यूकर माइकोसिस के पेशेंट भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा न्यूज़ और मीडिया में आपको म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस के बारे में सुनने को मिल रहा है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है अगर आप एडल्ट हैं, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है। हाँ, अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं तो आप अपने फिजिशियन से बात करें, अपनी शुगर कंट्रोल रखें और अपना ध्यान रखें। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के बाद ब्लैक फंगस से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।